आप देख रहे हैं UMH News। सर्च ऑपरेशन जहरीली शराब बुलंदशहर। अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। देर रात बुलंदशहर पुलिस को मिले एक इनपुट ने बुलंदशहर पुलिस के होश उड़ा दिए। बुलंदशहर पुलिस को एक इनपुट मिला था कि अलीगढ़ और बुलंदशहर के बॉर्डर के बीच शराब माफियाओं ने उस जहरीले शराब की बड़ी खेप को नहर किनारे फेंक दिया है। रात में ही बुलंदशहर और अलीगढ़ पुलिस जब तक सतर्क होती, तब तक अलीगढ़ बॉर्डर में एक भट्टे पर रहने वाले 10 से 15 मजदूर और जहरीली शराब का सेवन कर चुके थे, जो अभी अलीगढ़ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके की, जहां पर DYCO वंदना शर्मा के नेतृत्व में गंग नहर के किनारे किया जा रहा है जहरीली शराब ढूंढने का सर्च अभियान। बुलंदशहर पुलिस की माने तो रात करीबन 2:30 बजे बुलंदशहर पुलिस को इनपुट मिला था कि अलीगढ़ और बुलंदशहर के बॉर्डर के बीच में शराब तस्करों ने जहरीली शराब की पड़ी खेप को फेंका है। हालांकि पुलिस की कई टीमें उस जहरीली शराब की खेप की खोज में लगी हैं। पुलिस के द्वारा लगातार गोताखोरों से भी नहर में उस शराब की खेप को खोजा जा रहा है। हालांकि बुलंदशहर पुलिस लगातार बॉर्डर से सटे गांव में जाकर मुनादी कर रही है कि यदि किसी को कोई शराब मिले तो कृपया उसका सेवन ना करें, वह जहरीली शराब है। जिला अलीगढ़ में हुई मौतों के बाद भी बुलंदशहर पुलिस के पसीने छूटे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस जहरीली शराब की खेप बुलंदशहर के लोगों के हाथ लग गई तो ऐसा ना हो कि बुलंदशहर में भी इस जहरीली शराब से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। बुलंदशहर से सचिन अग्रवाल की रिपोर्ट। आपको अलीगढ़ बॉर्डर पर सर्च अभियान आपने शुरू किया है, शराब का आपको इनपुट मिला था, क्या इनपुट था और किस तरीके का आप ये लोग सर्च अभियान? देखिए, कल रात हमें 2:30 से 3 बजे के बीच में सूचना मिली थी, लगातार फोन आया कि कुछ असामाजिक तत्व आप शराब माफिया कह सकते हैं, जिन्होंने छतारी और अलीगढ़ बॉर्डर जहाँ जवाब थाना लगता है वहाँ पर जो नहर के पास जो है शराब को फेंक दिया गया है और कुछ मजदूरों द्वारा उनका सेवन भी कर लिया जिससे उनकी हालत खराब हो गई है। तो रात तक जो है हमारा जितनी भी लंबी नहर है उसमें जो जो थाना लगता है सबको सूचना दी गई, पूरी टीम बनाई गई, टास्क फोर्स बनाई गई और सबने जो है रात भर यहाँ झाड़ियों में और नहर में सभी सर्च अभियान किया है कि किसी तरीके से अगर कोई और शराब रह गई है जिसको अभी तक जब्त नहीं किया गया तो तत्काल हम उसको जब्त कर लें और जो अपनी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करना सुनिश्चित करें। साथ साथ जितने भी हमारे बॉर्डर के गाँव लग रहे हैं उनमें हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि भाई अगर आपको कहीं पर शराब मिलती है तो उसका बिल्कुल भी सेवन ना करें, तत्काल पुलिस को सूचना दें। और अवेयर किया जा रहा है कि जो भी शराब इस तरह से मिल रही है आज की डेट में वो आप मान लीजिए कि वो आपके लिए जहर है। ये लगातार सर्च अभियान चलता रहेगा, रात से चल ही रहा है और जब तक हम लोग सुनिश्चित ना कर लेंगे अब यहाँ पर किसी तरह की कोई शराब फेंकी नहीं गई है जिससे लोगों को कोई भय या खतरा नहीं है, तब तक सर्च अभियान जारी रहेगा। देखिए, हर थाना लेवल पे 3-3 टीमें बनाई गई हैं, छतारी पे भी 3 टीमें बनाई गई हैं। अभी हम लोग जो जहाँ खड़े हैं ये छतारी पहासू और अलीगढ़ का बॉर्डर है जहाँ से ये नहर जो है आगे की तरफ जाती है और जबकि जो ये नहर है इसका पानी तो केवल जो इसका बहाव है अलीगढ़ की तरफ है, पर फिर भी हम अपना एरिया सुनिश्चित करने के लिए कि यहां पे किसी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो हम बार बार सर्च अभियान जारी रखते हैं। देश व प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल UMH News को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं एवं UMH News पर विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 9528413080 पर।